अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन वाइट कोरमा। उसके लिए चाहिए हमें मटन जॉइंट्स, ये 2 kg हैं जी। स्पाइसेस में हमें चाहिए जायफल, बादियान फिताई और जावित्री, और ज़ीरा चाहिए हमें ब्लैक, और ये क्रश रेड चिलीज़ हैं, ये मैंने अभी कर ली है फ्रेश। और हमें वेजिटेबल्स में चाहिए गार्निश के लिए कुछ ग्रीन चिलीज़ हैं, लहसुन है, अदरक है, लेमन है, और प्याज हैं 4 बड़े कटे हुए। आप क्वांटिटी आपके सामने पड़ी हुई है, आप खुद देख लीजिए। और हमें चाहिए दही, देसी घी और क्रीम। किस तरह से बनाना है ये भी आपको बता देता हूँ। देखें जी, ये प्रेशर कुकर में मैंने जॉइंट्स ऐड कर ली हैं। इसके साथ नमक मैंने रखा है हसब ज़ायका, आप देख लीजिएगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसमें पानी डाल के अब हम इसे बॉयल करेंगे। एक सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको कि जब आप किसी भी मीट को बॉयल करें पहले, पकाने से पहले, और उसके ऊपर से ये सब उतार लें, एक तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे, और दूसरा ये आप समझ लें कि बैक्टीरिया है सारा। उसके बाद जो भी करना है आप करें। उसके बाद जी आप सारे स्पाइसेस ऐड कर दें, ये गई जी जावित्री, जायफल और बादियान फिताई, ब्लैक पेपर, सॉरी ये बताना पहले भूल गया था मैं, और ज़ीरा। ये डालने के बाद आप इसको गलने तक छोड़ दें। दूसरी तरफ पैन में घी ऐड करके और इसमें आप अनियन जो है उनको फ्राई कर लें। अनियन फ्राई कर लिए हैं, आप देखें इतने से, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करते हैं आपने, बिल्कुल लाइट से, क्योंकि कलर अच्छा नहीं आएगा। ऑयल अलग कर लिया, फ्राइड अनियन अलग कर लिए हैं। अच्छा जी, फ्राइड अनियन जो है अब इसको आपने ब्लेंड करना है विद योगर्ट, ठीक है। दही डालें और फ्राई वो प्याज डालें ब्लेंडर में। पेस्ट को दोबारा पैन में डाल के इसको आप फ्राई करें। ये देखें जी, वो जो पेस्ट है उसको आप इस तरह से चूल्हे के ऊपर 15 से 20 मिनट आप उसको रखें। जब बिल्कुल प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो गलने के लिए आप इसको छोड़ दें 10 से 15 20 मिनट के लिए, ढक्कन दे के। जी गोश्त हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है, जी ये हमने प्रेशर से निकाल के इसको जो जिसमें अनियन फ्राई किया था वो वाला ऑयल लेके उसके अंदर दोबारा इसको एक दफ़ा फ्राई कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे यखनी डाल दी है और इसके साथ वो पेस्ट मिक्स कर दिए। अब आपके पास ये आपकी ग्रेवी भी रेडी है और चिकन मटन भी जो है वो भी आपका प्रॉपर टेंडर हो चुका है, वो भी आपको अभी दिखाता हूँ। हमने क्रीम ऐड की है इसको मज़ीद डिलीशियस करने के लिए। देखिए जी ये ग्रेवी भी रेडी है, इसकी ये थिकनेस देख लें, जितनी आप चाहें आप रख सकते हैं। इसके अंदर हम अब मछलियाँ ऐड करेंगे। एक तरफ ही आप कोयला गर्म कर लें, इसका हम धुआं देंगे। जी ये मछली ऐड कर दी इसमें, जो घी हमने निकाला था वो ऐड कर दें।
गार्निश के लिए हमने इसके ऊपर अदरक और हरी मिर्चें काट के डाल देंगे थोड़ी सी। जो भी नंबर